नमस्ते गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं कि आप अपना टेलीग्राम का सेशन नेम कैसे फेच कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना टेलीग्राम ऐप ओपन करना होगा। टेलीग्राम ऐप ओपन करने के बाद आपको ये बॉट को स्टार्ट करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। और आपको ये बॉट स्टार्ट करना है। इस बॉट को स्टार्ट करने के बाद आपको अपनी टेलीग्राम की API ID एंटर करनी होगी। अगर आपको नहीं पता कि आप अपने टेलीग्राम की API ID और API हैश कैसे फेच कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से देख के अपनी टेलीग्राम की API ID और API हैश निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी टेलीग्राम की API ID एंटर करेंगे। तो ये हमारी API ID है और हम इसे सेंड कर देंगे। इसके बाद आपको सेंड करना है अपना API हैश। तो ये हमारा API हैश है, आपको ये अपना API हैश इसे सेंड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर सेंड करना है कंट्री कोड के साथ। तो ये हमारा फोन नंबर है हमारी कंट्री कोड के साथ, हमने अपना फोन नंबर एंटर कर दिया है। इसके बाद आपको ये सेंड करना है। इसके बाद आपको ऑप्शन यहाँ पे Y टाइप करना है और सेंड कर देना है, स्मॉल Y। इसके बाद आपके टेलीग्राम अकाउंट पर एक OTP आया होगा, आपको वो OTP इसे सेंड करना है। तो ये हमारा OTP, हम इसे कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद आपको बॉट के पास वापस आना है और यहाँ पे ये OTP टाइप करना है। और याद रखें, OTP के बीच में आपको स्पेस देना ज़रूरी है। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। और इसके बाद मैंने अपने अकाउंट में 2-स्टेप वेरिफिकेशन सेट करी हुई है, जिसकी वजह से मेरे को वो पासवर्ड एंटर करना होगा। अगर आपने सेट नहीं करी हुई है तो यहाँ पे ही आपका जो है अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना OTP एंटर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अपना जो 2-स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो टेलीग्राम से हमें एक नोटिफिकेशन आई है कि हमारा अकाउंट जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, हमारा यानी सेशन नेम जनरेट हो चुका है। इसके बाद आपको क्या एंटर ओपन करना है, आपको अपने सेव्ड मैसेजेस ओपन करने हैं। सेव्ड मैसेजेस जब ओपन करेंगे तो आपको ये मैसेज मिलेगा। तो ये जो आपको मैसेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही आपका सेशन नेम है, जो कि आपको अपने बॉट्स बनाने के लिए एंटर करना पड़ता है। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।